गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं वी ऑल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्रिप की वजह से निशांत के ग्रुप और वैदी के ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, पर जब कुछ सब शॉर्ट आउट होता है क्योंकि पीटी टीचर बीच में आ जाते हैं। शॉर्ट आउट होने के बाद अरुण को चोट लग जाती है क्योंकि वो जब हिली एरियाज में जाते हैं तो उसकी केयर करते टाइम जो रिमझिम और वैदी केयर करते, तो यहाँ पर चाहत, अनन्या और प्रीति भी काफ़ी ज़्यादा देख के हंस रहे रहते हैं। अब उसके आगे तो प्रीति कहती है कि अरुण तुमसे चलते नहीं बन रहा है तो फिर हम यहाँ नहीं जाते हैं, रहने देते हैं, हम यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। तो अरुण कहता है, नहीं प्रीति यार, वो तो ठीक है यार, चोट लगी है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट मुझे भी वो व्यू देखना है क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। और काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब सनसेट देखने को मिलेगा तो क्या नहीं चाहिए। तो रिमझिम कहती है कि हाँ, सनसेट देखना चाहिए, और तेरा जो बोझ उठा उठा के हम चल रहे हैं उसका क्या, अच्छी जगह आए हैं, सही से देखते चलते नहीं बनता, गिर गया ना, अब तेरे को ही ऑल टाइम बस उठा उठा के हम चलें। जो रिमझिम रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही रहती है, तो वैदी उसको बोलती है, रिमझिम हो गया ना यार, वो जानबूझ के नहीं गिरा है यार, उसको इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो कहती है, यार इसका हर बार का है, इसको समझ में नहीं आता है क्या, चोट लग जाती है, दर्द होता है, अभी देखना रात भर सो नहीं पाएगा, फीवर आ जाएगा इसको, घर पर नहीं है रिमझिम, घर पर नहीं है हम वैदई, हम इसकी केयर नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, घर पे होता तो केयर कर लेते हैं, अभी देखना अपनी तबीयत खराब कर लेगा, फीवर आ जाता है इसको यार, इसको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो, और मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है। तो वैद्य कहती है, नहीं आएगा यार फीवर। तो कहती है, अच्छा शर्ट लगा रही है, तो वो कहती है कि हाँ चल लगाते, नहीं आएगा फीवर। तो जो वैदी बोलते कि नहीं आएगा फीवर पे बेट लगाती है, और रिमझिम कहती है आएगा फीवर पे बेट लगाती है। अरुण देखता ही रहता है, अरुण कहता है, क्या मैं तुम लोगों के लिए टॉय हूँ जो जब देखो बेट लगाते रहते हो, क्या चल रहा है ये। तो कहते तू चुप कर, तो वैदी भी कहती तू चुप कर ज़रा, देखते ना कि ये तुझे ज़्यादा जानती है या मैं तुझे ज़्यादा जानती हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक में भी या कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग सनसेट की वहाँ जगह जाते हैं, तो एक मतलब एक सनसेट के वहाँ पर एक एरिया रहता है जो थोड़ा सा ऊपर टाइप एरिया रहता है, मतलब स्टोन्स रहते हैं वहाँ पर, वो स्टोन पे बैठते हैं सब के सब, तो सब एक साथ बैठे रहते हैं कि सब। तो यहाँ से वैदे बोलती है, बेटा मैं फ़ोटो खींचती हूँ, तो वो वहाँ से अपना कैमरा मोबाइल निकालती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया रहता है, और मोबाइल निकाल के बोलती है चीज़। तो फिर यहाँ पे सब आते हैं और वो फ़ोटोज़ क्लिक करती है, फिर वो वहाँ उठती है, उठकर जाकर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही रहती है सबकी। तो वो बहुत प्यार से काफ़ी अच्छे से सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही रहती है। तो जो वैद्य ही रहती है वो प्रीति को बोलती है कि तुम्हारी सिंगल फ़ोटो लूँ। तो प्रीति पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, और बोलते हैं ना शर्मा जाना या ऑकवर्ड फील करना उसे अजीब सा लगता है, तो कहती है नहीं मतलब ग्रुप में ही ले लो। तो रिमझिम कहती है, जाओ ना प्रीति, एक सोलो फ़ोटो खींचने को मिल रही है, अच्छे से खींच लो, जाओ खिंचवा लो। तो प्रीति वहाँ जाती है, एक एरिया रहता है जहाँ से पीछे का बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा रहता है, सनसेट का टाइम रहता है, ब्यूटीफुल व्यू आ रहा रहता है, और वो उसकी पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना फुल फ़ोटो ले रही रहती है, तो काफ़ी अच्छे से लेती है। तो जो अनन्या है वो भी देख रही रहती है, चाहत भी देख रही थी, तो चाहत कहती है मुझे भी ऐसे फ़ोटोज़ खिंचवाना काफ़ी अच्छा लगता है, पर कोई मेरी खींचता नहीं है फ़ोटो। तो अनन्या कहती है, हाँ तो वैदी खींच देगी ना। तो वो कहती है कि हाँ, बट देखो ना वैदी जब उसकी फ़ोटो खींच रही है तो उसे पोज बता रही है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो मेरे लिए भी फ़ोटो खींचे, तो मुझे भी इतने प्यार से ऐसे समझाए कि ये पोज होना चाहिए अच्छा, वो पोज होना चाहिए। तो अनन्या बोलती कि हाँ वैदे खींच देगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, वैदे देखो पोज सबको बता रही है, खींच देगी। चाहत बोलती है कि नहीं मतलब पेशेंस लेवल के साथ खिंचवाए मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत नखरे करती हूँ। तो फिर अनन्या कहती है कि हाँ वैदे खींच देगी। तो चाहत को थोड़ा सा गुस्सा आ के बोलती है कि हाँ सब कुछ वैदे ही करेगी तो तुम क्या करोगी। तो अनन्या से बोलती है, क्या मैं क्या करूँगी, मतलब क्या, तुम्हें तो फ़ोटो खिंचवानी है ना, वैदे ही खींच देगी।
तू जो चाहत होती है उसका हाथ छुड़ा के बोलती है कि तुम कुछ नहीं समझ सकती हो, और वो वहाँ आगे जाके खड़ी हो जाती है, और सिर्फ वहाँ आगे जाके खड़े होती है, फिर थोड़ा आगे जाके वो बैठ जाती है और बैठ के वो सनसेट को देख रही रहती है। थोड़ी देर ऐसी हो जाता है। अनन्या देखती है कि इसको गुस्सा क्यों आ गया है। जब प्रीति और इसकी फ़ोटो खींचना हो जाती है तो वैद्य जो अनन्या है वो वैद्य के पास आकर बोलती है कि वैद्य क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ? तो कहती है कि हाँ मुझे चाहत की एक दो पिक्चर क्लिक करनी। तो कहती है हाँ मैं चाहूँ तो तुम दोनों की क्लिक कर दूँ? वैद्य अनन्या से बोलती है। तो कहती है हाँ कर देना बाद में, पर मैडम की पहले सोलो फोटोज ले लूँ। वो गुस्सा होकर बैठ गई है। तो वो बोलती है ठीक है, तो यहाँ से जाती है। और चाहत तो जब वो बैठी हुई रहती है तो काफ़ी वो सोच में बैठी रहती है। तो उसने क्या किया रहता है, अपना जो एक लेग है वो ऊपर किया रहता है, एक लेग नीचे रहता है, और अपने दोनों हाथ अपने लेग के ऊपर रख के सर रखा रहता है। वो बहुत क्यूट पोज होता है और पोज नेचुरली आता है, और चाहत को तो पता भी नहीं रहता है कि अनन्या उसकी कितनी ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करे जा रही है। अनन्या बहुत प्यार से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही रहती है, जो रैंडम्स फ़ोटो बोल सकते हैं या कैंडिड फ़ोटोज़ आजकल रिसेंटली चल रहा है कि सामने वाले को पता नहीं रहता है और हम उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, तो वही कुछ हाल रहता है। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे पोज आते हैं। तो चाहत का थोड़ा और गुस्से का लेवल हाई रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अनन्या उसके पास आएगी और बोलेगी। तो चाहत थोड़ा खड़ा खड़ा हो जाती खड़ी हो जाती है, और खड़ी होके जाने ही रहती है। तो वो थोड़ा सा उसे बहुत प्यारा व्यू दिखता है, और वो वहाँ खड़े होके सिर्फ वो व्यू को देखने लगती है। जैसे वो व्यू को देखती है तो वो खड़ी रहती है, तो वो साइड से पोज जितने भी हो सकते थे वो खींचती है। क्या बोलते अनन्या फोटोज खींच रही रहती है। अनन्या बहुत क्यूट तरीके से फोटो खींचती है, तो बहुत मतलब प्यारी प्यारी फोटोज खिंच जाती है। तो जो चाहत रहती है वो एकदम से टर्न होती है, और जैसे वो टर्न होती है तो वो देखती है कि अनन्या उसकी फ़ोटो खींच रही रहती है। तो अनन्या उसका जो एकदम से ओ वाला रिएक्शन जो होता है उसकी भी फ़ोटो खींच देती है। तो वो एकदम से पूछती है अनन्या आप कर क्या रहे हो? तो कहती है कि आपकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, आपको चाहिए था ना कि आपकी कोई फ़ोटो क्लिक करे। तो कहती है हाँ तो बताना चाहिए ना, तो मैं कम से कम अच्छे से पोज देती हूँ। तो जो चाहत हो जाती है वो पोज देना स्टार्ट कर देती है। तो अनन्या बोलती है कि क्या है ये? तो कहती है मैं पोज दे रही हूँ, मेरी फ़ोटो खींचो ना। तो जो चाहत रहती है वो स्माइल करते हुए, मतलब एक होता है ना जो नेचुरल पिक्स अलग होती है और एक फेक पिक्स अलग होती है, तो वो पोज देकर उसकी फ़ोटो खींच रही थी। तो काफ़ी अच्छे से ऐसे पोज दे रही थी, ऐसे पोज दे रही थी। तो जो वहाँ पर अनन्या वो हंसे ही जा रही थी, हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो चाहत बोलती क्या है तुम्हें मेरी फ़ोटो नहीं खींचनी रहती, तो फिर मत किया करो। और जो चाहत होती है वो गुस्सा होकर चली जाती है। प्रीति आती है, बोलती कि क्या हो गया? तो कहती है यार इतनी फेक स्माइल और फेक वाला दे रही थी पोज, हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। एक्चुअली वो जो माउंटेन एरिया रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, तो सब दूर दूर बैठ के मतलब टाइम स्पेंड कर रहे रहते। और बोलते ना जब सनसेट का टाइम होता है ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और बहुत प्यारा व्यू था। तो चाहत तो वैसे भी गुस्सा होती रहती है, तो अनन्या बोलती है मैं मना कर आती हूँ, क्या मोबाइल ले जाऊँ? तो वो बोलती है यहाँ पर जो प्रीति रहती है वो वैद्य का हाथ पकड़ती है और काफ़ी अच्छे से बैठती है उसके साथ। तो प्रीति बोलती है कि आपको मेरी इतनी सारी फ़ोटोज़ क्यों खींचनी थी? तो वैद्य कहती है कि हाँ फ़ोटोज़ इसलिए खींचनी थी क्योंकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी ना तो मैं याद करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में एक गोल गप्पू नाम की लड़की थी और वो ऐसी दिखती थी, इसलिए मैंने आपकी फ़ोटोज़ खींची है। और ये फ़ोटोज़ मैं अपने पास और अपने दिल के करीब सबसे ज़्यादा रखूँगी, सबसे ज़्यादा, कभी भी कहीं किसी को ये फ़ोटोज़ नहीं दूँगी, ये मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होगी। तो कहती है अच्छा तो ऐसा है? तो कहती है हाँ जी ऐसा ही है, मुझे मेरी गोल गप्पू की फ़ोटोज़ चाहिए। तो प्रीति कहती है अगर ऐसा है तो मेरे पास भी तो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो कहती है कि हाँ होनी तो चाहिए, बट आपको खींचवानी ही नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, तो आपने मेरी नहीं खींची, बट
मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने खींच दी। तो प्रीति कहती है मैं फ़ोटोज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। फ़ोटोज़ का क्या है, जब जब फ़ोटोज़ देखते हैं ना तो हमारी पीछे वाली बातें हमें याद आती हैं, पर अगर कुछ अच्छी मेमोरीज़ के साथ बुरी मेमोरीज़ भी याद आती है। और मैं ना आपको फ़ोटो पे कैद करके नहीं रखना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हर एक लम्हा जीना चाहती हूँ। और कल जाके मैं फ़ोटोज़ देख के ये ना बोलूँ कि ये वैदेही नाम की कोई लड़की थी मेरी ज़िंदगी में। मैं हर टाइम फ़ोटो आपके साथ देखूँ और ये कहूँ वैदेही हम ये कितनी मस्ती करते थे। तो आप मेरा साथ हमेशा रहिए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ वो सिर्फ फ़ोटो में ही रहें। वैदेही जब प्रीति की इतनी क्यूट क्यूट टॉक सुनती है उसे रहा नहीं जाता, वो एकदम उसको साइटली हक कर लेती है, कहती सो स्वीट ऑफ यू, मतलब आप मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो। तो प्रीति कहती है कि हाँ एज अ फ्रेंड, ओके मैंने इसे एज अ फ्रेंड बोला है। तो यहाँ पर जो हमारी वैदेही रहती है वह हंसते हुए बोलती है एज अ फ्रेंड रहना है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके साथ एज अ फ्रेंड रहना भी पसंद आएगा, और क्यों ना भला इस गोल गप्पू के साथ एज अ फ्रेंड रहने में भी मुझे कोई इशू नहीं है। तो प्रीति कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बहुत टाइटली हक किया रहता है वैदेही ने प्रीति को, तो जो वो प्रीति को जब टाइटली हक कर रही रहती है तो प्रीति को ऐसा लगता है कि बस ये हक कर ही रहे, इतना सुकून, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती हैं, दोनों का एक दूसरे के करीब आना और इतने प्यार से करना, एक एक क्यूट सा मोमेंट्स होता है ना वो हो रहा रहता है। तभी वो हक करके थोड़ा दूर होती है और अपना जो हाथ है वो एकदम से प्रीति के हाथ में पकड़ी रहती है। प्रीति को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है, पर ऐसा रहता है कि उस समय इतना क्यूट मोमेंट्स रहते हैं ना, बहुत सुकून मिल रहा रहता है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी देर के बाद जो चाहत रहती है वो गुस्से में जाके मुँह फैलाकर बैठी हुई रहती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है। तभी वो अपना मोबाइल आती है, चाहत आगे बैठी रहती है, अनन्या उसके पीछे आती है एकदम, और अपने दोनों मतलब उसकी बैक रहती है उसके आगे, जैसे हम किसी के पीठ पे चढ़ते हैं ना वैसे वाला पोज रहता है, पर वो चढ़ते नहीं है, उधर आकर एकदम हाथ में सामने मोबाइल रखती है और फ़ोटोज़ दिखाना स्टार्ट कर देती है कि, और फ़ोटोज़ देखती है तो धीरे धीरे जितना भी जो गुस्सा रहता है चाहत का वो हटने लगता है। वो बहुत प्यार से धीरे धीरे वो फ़ोटोज़ को देखती है तो काफ़ी उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो देखे जा रही रहती है। वो एकदम से हाथ में मोबाइल लेती है, वो फ़ोटोज़ देखती है तो देखती है कितनी क्यूट फ़ोटो है, ये अच्छी है, वो फ़ोटोज़ अच्छी है, ये अच्छी है। तभी तो अनन्या कहती है कि हाँ तो मैंने खींची है, अच्छी तो होगी ना, और वैसे भी वो क्या है ना, मैं नेचुरल ब्यूटी को कवर करती हूँ, आपकी तरह फेक स्माइल वाली फ़ोटोज़ खींचना मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं बनता इस टाइप की फेक स्माइल वाली फ़ोटोज़ खींचना। थोड़ी देर में जो अनन्या रहती है वो इतने स्टाइल में बोल रही रहती है, मतलब जैसे कि बहुत बोलते हैं ना कि मतलब एटीट्यूड में बोल रही रहती है, हाथ को हिला विला कर स्टाइल मारते हुए। तो चाहत हंसते हुए बोलती है देखो आप नॉर्मल भी बोल सकती हो, आप ना ऐसे एक्टिंग ना किया करो, ऐसी नॉर्मल बोल दो तो अच्छी लगती हो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है फ़ोटोज़ अच्छी आई, तो कहती काफ़ी अच्छा आई। अनन्या थैंक यू यार, वो थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था मैंने, तो कहती है इट्स ओके। तो चाहत जो है वो अनन्या का हाथ पकड़ के बोलती अच्छा सुनो, तो कहती कि बोलो आप फ़ोटो मैं आपकी नहीं खींचूँ, तो कहती है मेरी फ़ोटोज़ खींचना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि मेरे जितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी कोई कर नहीं पाता है, तो पता चला आपने कुछ गंदी वंदी फ़ोटो खींची तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहत घूर के देखने लगती है और कहती है मैं सेल्फ़ी की बात कर रही थी, रहने दो मैं नहीं खींच रही आपकी।
तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो सॉरी आ जाओ। तो अनन्या ऐसे बोल के फिर सेल्फी खींचती है। जब वो सेल्फी खींच रही रहती है तो जो चाहत को, पहले ये लोग थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हुए रहते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो फोटो एकदम अच्छी नहीं आ रही रहती है। ऐसा लगता है कि एक दूर खड़ा दूर से फोटो ले रहे हैं। तो जो अनन्या है वो एकदम से चाहत को खींचती है अपनी ओर और उसकी कमर पे हाथ रख देती है। जैसे ही उसके कमर पे हाथ रखती है तो ऑटोमेटिकली जो चाहत का हाथ है वो अनन्या की कमर पे जाता है और दोनों कमर पे से एक दूसरे को पकड़ के एक हाथ से सेल्फी खींच रहे रहते हैं। तो वो बहुत क्लोजी वाला होता है, बहुत क्यूट पिक होते हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से एक दूसरे की नज़रों से देख रहे थे और ये लोग टाइमर सेट कर देते तो फोटो अपने आप क्लिक होती जा रही थी, फोटो होती जा रही थी, दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, देख रहे थे। तो एक होता है ना कि इतना क्यूट तरीके से होता है क्योंकि उस समय ये लोग एकदम ऐसी स्टेज पर रहते हैं जहाँ पर इन लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता करना या समझना इनके लिए इतनी बस की बात नहीं रहती है। तो जो वहाँ पे, तो थोड़ी देर के बाद जो अनन्या है वो चाहत को थोड़ा सा दूर करती है और चाहत भी थोड़ा अलग सा फील करती है। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो भी उस माउंटेन एरिया में आ जाता है आस्था के साथ और वहाँ से वो चला जाता है। निशांत वहाँ से एकदम से वो माउंटेन एरिया में आता है सबको देखते हुए थोड़ा सा वहाँ से चला जाता है। फिर आस्था कहती है कि क्या हो गया है, कहाँ जा रहे हो आप? तो कहते हैं यार यहाँ नहीं बैठेंगे हम, ये देखो ये सब लोग बैठे हैं और मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है वो वैद्य को देखकर, और इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया है वो गलत है। तो जो निशांत रहता है वो गुस्सा करके जा ही रहा रहता है। तभी आस्था बोलती नहीं यार माउंटेन थोड़ी ना इन लोगों का है पूरा, हम सब बैठेंगे यहाँ पर। तो वो आती है और वहाँ पर थोड़ा सा एरिया रहता है वहाँ बैठी रहती है। तो आस्था की एकदम से नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है तो प्रीति वैदेही के साथ बैठी रहती है हाथ पे हाथ को मतलब करके। तो जो प्रीति की तरफ देखती है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो थोड़ा साइड में देखती है तो चाहत और अनन्या एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं, सेल्फी खींच रहे रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं। तो वहाँ वहाँ पर देखती है तो निशांत बोलता है कि क्या हो गया तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तो कहती है यार मुझे ना मुझे भी सेल्फी खींचना है, मेरी भी फोटोज़ खींचो ना, देखो ना वो चाहत ना कितने अच्छे से सेल्फी खिंचवा रही है अनन्या से, तुम मेरी क्यों नहीं खींच सकते हो? कहता मेरे पास थोड़ी ना कैमरा है और मेरे घर वालों ने मुझे कैमरा नहीं दिया है, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मुझे नहीं पता था कि अनन्या के पास मोबाइल है, तुम्हारी दोस्त है तो तुम उससे मांग लो ना। तो कहती है मुझे नहीं पता वो किसका मोबाइल है, आस्था कहती है। तो निशांत बोलता है तो क्या हो गया ऐसे ही बैठो ना? तो कहता है अरे नहीं यार हमारे पास भी तो कुछ मेमोरीज होनी चाहिए जाने की। तो कहती है कि तो रहने दो। तो थोड़ी देर यहाँ पर सब अपना टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं। जो रिमझिम रहती है वो अरुण की तरफ देखती है तो अरुण की ना तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, अरुण को थोड़ा थोड़ा लाइटली फीवर आने लगता है। जैसे कि रिमझिम को बहुत पहले से पता था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब भी चोट लगती है उसको कोई ना कोई, या उसको तकलीफ होती है तो उसको फीवर सबसे पहले आता है। ये बात शायद वैद्य भी इतना नहीं जानती थी जितना रिमझिम जानती थी। तो रिमझिम जैसी अरुण को देखती है और उनको बोलती क्या हो रहा है तुझे, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं मैं अच्छा हूँ बढ़िया हूँ। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसको फीवर आने लगता है। तभी वैदेही तभी रिमझिम वहाँ से उठती है और चिल्लाती है वैदेही वैदेही। तो प्रीति और जो वैदेही एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं वो छोड़ते हैं और प्रीति उठती है, वैदेही उठती है और सबके सब इधर देखने लगते हैं। तब तो वो एकदम से चिल्ला के बोलती है अब अरुण की तबीयत ख़राब हो गई, उसे फीवर आ गया है। तो अनन्या बोलती है कि तो फीवर आ गया? तो चाहत बोलती है कि हाँ फीवर आ गया, वही तो बोला उसने। तो कहती है अरे मतलब रिमझिम इतनी श्योर थी कि आ जाएगा और वैदे ही श्योर नहीं थी तो मैं शॉक हूँ। तो रिमझिम कहती है कि मैंने कहा था ना मुझसे अच्छा अरुण को कोई नहीं जानता है, अरुण कब क्या करता है मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है, वैदे भी नहीं जानती है। तो वो शर्त के पैसे तैयार रखना, हाँ वो मैं ले लूँगी, रिमझिम की तरफ वैदे कहती। तो कहती हाँ बाबा ले लेना।
पर मुझे नहीं पता था यार वो अभी भी आ जाएगा या घर पर आता था अभी आ जाएगा। तो कहती मुझे पता है ना, इससे तो मैं उस पर इतना ज़्यादा चिल्लाती हूँ कि ध्यान से चला कर, तबीयत ठीक रखा कर, अब चलो ज़रा मतलब जाते हैं होटल में। तो कहती है कि हाँ ठीक है, अच्छा मैं जाती हूँ, तुम लोग खेल लो यहाँ पर, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता है, मैं लेके जाती हूँ। तो वैदी कहती है तू अकेले कैसे लेके जाएगी, मैं भी चल रही हूँ। रिमझिम आप यहीं पर, प्रीति आप यहाँ पर रहो। तो प्रीति कहती है नहीं मुझे नहीं रहना है और हम चलते हैं। तो प्रीति भी चली जाती है। तो चाहत बोलती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रह के, चलो और क्या। तो सब चले जाते हैं। तो आस्था और निशांत वहाँ पर रहते हैं। तभी चाहत जा रही रहती है, तभी आस्था उसे बोलती कि आस्था चाहत। तो आस्था की तरफ टर्न होती चाहत और बोलती कि हाँ बोलो। तो कहती है अरे वो मुझे तुम्हारा क्या मोबाइल चाहिए था, मुझे फोटोज़ खींचनी है तो प्लीज़। तो कहती है सॉरी वो मेरा मोबाइल नहीं है और मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, अनन्या के पास, अनन्या का है। तो अनन्या बोलती है मेरा भी नहीं है, वो वैदेही का है। तो जैसे ही वो सुनता है वैदेही का है तो कहता है हाँ तो वैदेही का है तो नहीं चाहिए मुझे, रहने दो जाओ तुम यहाँ से। तो अनन्या एकदम से टर्न होती है और निशान की तरफ बोलती है ओ लिसन, मैं प्रीति नहीं हूँ जो तेरा गंदा सा एटीट्यूड हैंडल कर लूँगी। सुन बात करना है तो ढंग से किया कर, नहीं करना है तो मत किया कर, और ये जो अपना फेक वाला एटीट्यूड दिखाता रहता है ना उसके काबिल बन पहले, पहले फ्रेंडशिप अच्छे से निभाना सीख, फालतू का जब से रिलेशनशिप में आया है उतना उड़ना बंद कर। हम भी आ सकते हैं रिलेशन में लेकिन तेरे जैसा बिहेव नहीं करेंगे कि दोस्तों को भूल जाएंगे और ये करेंगे। चलो अनन्या, चाहत बोलती है। तो अनन्या बोलती रुको बोलने दो मुझे पहले। तो वो बोलती फालतू का नाटक नहीं चाहिए अनन्या। चाहत बार बार बोल रही रहती है अनन्या मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए चलो। तो वो एकदम से हाथ खींच कर लेकर चली जाती है। तो अनन्या बोलती क्या प्रॉब्लम है चाहत यार, बोलने तो देती है यार, निशान को ज़्यादा ही उसका बिहेवियर ख़राब हो रहा है। तो कहती हाँ तो हो तो आस्था का भी रहा है ना, तभी मैं कुछ कह रही हूँ क्या। देखो जिसको फ्रेंडशिप निभानी है वो अच्छे से निभाएगा और जिसे नहीं निभानी है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते ना, तुम्हें भी पता है अगर उसे निभाना होता तो वो निभाते। दे आर द कपल्स नाउ, दे वॉन्ट देयर ओन प्राइवेट टाइम। हाँ तो दोस्तों को भूल जाते क्या रिलेशन में आने के बाद। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं पता मुझे, मैं कभी रिलेशन में नहीं आई हूँ, चाहत बोलती है अनन्या को। तो कहती है अगर आप आ जाओगी तो आप मुझे भूल जाओगी। तो चाहत कहती है नहीं, और मैं भला किसके साथ रिलेशन में आऊंगी, मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं तो खुद आपसे फर्स्ट टाइम इतनी बातें कर रही हूँ, वरना तो आपको पता है मेरा नेचर कैसा है। तो कहती है हाँ वो तो है लेकिन आपको विवेक पसंद करता है ना, अगर आप विवेक के साथ आ गई तो। ओ मतलब मैं आऊंगी, और सेम क्वेश्चन तो मेरा भी हो सकता है, चाहत कहती है अनन्या को कि आपका तो विवेक के साथ बड़े अच्छे से बातें चल रही थी बस में। तो कहती अरे मेरा कुछ नहीं था यार, मैं तो बस आपको टीज कर रही थी। तो कहती हाँ तो मेरा भी कुछ नहीं है, ओके फाइन, दोनों एक साथ कहते हैं ओके फाइन और बोलने के बाद चलते हैं। तो जो आस्था रहती है वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि आस्था को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती है कि अनन्या सुनाकर चली गई है, क्योंकि अब लव बर्ड्स होते हैं तो एक दूसरे के लिए यू नो फीलिंग रहती है, लाइक मेरे बॉयफ्रेंड को किसी ने क्यों कुछ कहा, वो थोड़ा बचपना रहता है, बट एक्चुअल में वो लोग ये समझ नहीं रहते हैं कि फ्रेंडशिप इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दी रिलेशनशिप। तो पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, माउंटेनिंग एरिया रहती है, पर थोड़ी देर हो जाती है कि उनको भी ऐसा लगता है कि अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। करीब आधा घंटा वो लोग वहाँ रहते हैं। उस ड्यूरेशन के आधे घंटे में जो निशांत जो हम सॉरी जो अरुण रहता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है, और वो अपना ना जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा लूज़ कर रहा रहता है। तो वो रिमझिम की तरफ पूरे तरीके से मतलब ट्रोल्ड हो रहा रहता है या रिमझिम की तरफ होता है। तो रिमझिम जो है उसे काफ़ी अच्छे से बॉडीज उसको संभालती है
और लेकर जाती है। तभी जो प्रीति है वो वैदेही एक दूसरे को देख रहे रहते हैं कि मतलब उनको थोड़ा लगता है कि दे आर वेरी केयरिंग टू ईच अदर। तो जो प्रीति कहती है कि वैदेही को कि रिमझिम को संभालने दो, वो संभाल लेगी उसे, आप टेंशन ना लो। तो ऐसे करके दूसरी तरफ जो चाहत और अनन्या है वो सब भी आ रहे रहते हैं। ये लोग जाते हैं और मैम को बोलते हैं, मैथ्स वाली टीचर को, कि मैम वो एक्चुअली में ना अरुण की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हम लोग घर की तरफ मतलब क्या हम जा सकते हैं, हमें मतलब रूम पर जाना है। तो कहती है कि देखो रूम पर तो जाना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी बाकी सारे बच्चे इधर उधर हैं। तो तब तब एक काम करो, अरुण को यहाँ बिठा दो, और फीवर आ गया। तो कहती है हाँ वो फीवर आ गया था और चोट लगी, तो चोट का तो हम लोगों ने बैंडेज कर दिया है पर फीवर आ गया। तो जो मैम होती हैं वो अपने बैग से मेडिसिन निकालती है फीवर की रहती है, और कहती हैं कि अरुण इसे खा लो। तो अरुण जो रहता है वो वहाँ पर मेडिसिन लेता है, और वहाँ एक जो बोलते हैं ना वेटिंग रूम टाइप का एरिया रहता है, वहाँ पर सब बैठे हुए रहते हैं। तो थोड़ी देर ऐसी वेट करते हुए तो जो वैदी रहती है उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। तो वो थोड़ा उधर घूमने जाती है, तो प्रीति भी बोलती है कि ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। तो ये सब लोग बाहर जाते हैं, तो जो प्रीति के साथ वैदेही जाती है और रिमझिम के साथ जो अरुण रहता है वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो रिमझिम जाने के लिए अलाउ नहीं होती है, उसे लगता है कि उसे यहाँ पर बैठ के उसकी केयर करनी चाहिए। और चाहत अनन्या भी मतलब घूम रहे रहते हैं इधर उधर। तो जब वो वहाँ जाती है तो वो थोड़ा आगे जाकर देखती है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल एरिया रहता है, वहाँ लाइटिंग रहती है क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम हो चुका रहता है, करीब 5, मैंने बोला ना 6 बजे रहते, सनसेट के बाद की बात रहती है, तो 6 बजे को समथिंग टाइम हो रहा रहता है, तो वहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रीति लाइटिंग्स को देख रही रहती है, फ़ोटोज़ खींच रही रहती है, और वैदेही प्रीति को देख रही रहती है। तो थोड़ा आगे जाते टाइम ये लोग एक एरिया में आ जाते जहाँ पर जो मैथ्स की टीचर रहती है वो किसी के साथ आराम से हग करके बैठी हुई रहती है। वो एक एक छोटा सा एरिया रहता है जहाँ पर एक बोल सकते हैं एक बेंच रहती है, वहाँ बेंच का है वो सबसे ज़्यादा कोने का एरिया रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। मतलब अगर आप उस एरिया को देखोगे तो वो एकदम साइड का एरिया रहता है कि कोई नहीं दिखता, और वो इतना अंदर साइड रहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ कोई बैठा रहता है। पर कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मस्तीखोर बच्चे ही रहते हैं, वो सारी जगह भी ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कोई ढूंढ नहीं पाता। तो ये लोग खेलते खेलते मस्ती करते करते इधर उधर घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ना जो मैम रहती हैं मैथ्स की टीचर, वो उसी लड़की के साथ बैठी हुई रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो बैठने के बाद वहाँ पर इन लोगों की एक दूसरे से बात चल रही रहती है, मैथ्स की टीचर और उस लड़की की, और बात करते करते वो लोग इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तो मैथ्स की टीचर उस लड़की को काफ़ी डीपली वे में किस कर रही थी। तो ये बात अनन्या और चाहत भी देख लेते हैं क्योंकि वो लोग भी प्रीति के पीछे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि प्रीति जहाँ जा रही थी तो उनके साथ ये लोग भी जा रहे थे। अब ट्रिप में तो ऐसे ही होता है कि एक दोस्त कहीं जाता है तो उसके पीछे जाते हैं। और जो वैदेही है वो भी देख रही थी, वैदेही प्रीति अनन्या चाहत, ये 4 लोग एक साथ देखते हैं, और देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। तभी वैदेही कहती है डू यू नो, मैंने ये लड़की को जानती हूँ। तो प्रीति कहती है कि कैसे जानते हो आप, ये कौन है? तो कहती है अरे ये 12th स्टैंडर्ड की गर्ल है, ये हमारी मेरी इससे मुलाकात हाँ मैच के दिन हुई थी, ये हमारी सीनियर है। अरे यही तो हमारी प्रेसिडेंट है, स्कूल प्रेसिडेंट यही है। तो कहती है ओ माय गॉड, मतलब मैम की गर्लफ्रेंड स्कूल प्रेसिडेंट है, प्रीति कहती है। और चाहत और अनन्या भी रहते हैं बट वो कुछ नहीं कहते, वो तो बस वो मोमेंट को देख के खो चुके रहते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है।
थोड़ी देर ऐसी होती है कि ये लोग देखते हैं और इन लोगों को डर लगता है कि बाय चांस अगर मैम ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, तो ये लोग सब के सब एकदम से भाग जाते हैं। सबसे पहले अनन्या और चाहत भागते एक दूसरे को, क्योंकि उनको ये भी नहीं दिखाना रहता है कि प्रीति और वैदे को भी नहीं दिखाना रहता है कि हमने देख लिया है। तो सबसे पहले वो जाकर भागते हैं और एक कोने पे जाकर बैठ जाते हैं। प्रीति और वैदे भी एक साइड में जाके नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। थोड़ी देर होती है कि जहाँ से जो मैम है वो निकल के चली जाती हैं, आती हैं मतलब वेटिंग रूम में अरुण के पास, और जो जो वो गर्ल रहती है मींस जो स्कूल प्रेसिडेंट रहती है 12th स्टैंडर्ड की, वो भी कोई दूसरे रास्ते से वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली जो ट्रिप रहती है वो बच्चों की रहती है, तो इसमें 12th स्टैंडर्ड वाले तो अलाव नहीं रहते, बट फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मतलब मैम के लिए, मैथ्स के टीचर के लिए आती है। तो अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स आगे क्या होता है, और अब 4 लोगों को पता है तो अब कैसे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।